अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 एफएससी पार्ट 2 मैथ का। तो इसमें कुछ पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं। पैरामीट्रिक फंक्शंस हमने डेफिनेशन में पढ़े थे, ऐसे फंक्शंस सम टाइम, जिस तरह एक्स क्या है टी का है और वाई भी किसका फंक्शन है टी का, एक्स डिपेंड कर रहा है टी पर, वाई भी टी पर, ऐसे फंक्शन जो सेम वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हों, ठीक है, इनमें थर्ड वेरिएबल सेम हो, इन्हें कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे कि एक्स भी कॉस टी और वाई भी साइन टी, यानी कि टी पर डिपेंड कर रहा है, एक्स भी थीटा पर, वाई भी थीटा पर, ऐसे फंक्शंस पैरामीट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं और ऐसी इक्वेशंस पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। कहता है द एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। अब ये पैरामीटर पी होता क्या है, ठीक है, और इसको कैसे हम एज़ अ फंक्शन ऑफ एरिया लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें डायग्राम कौन सी है, इसमें यानी कि ज्योमेट्री कौन सी गिवन है। इसमें लिखा हुआ है हमें स्क्वायर, तो हम बनाते हैं अब स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, तो सबसे पहले उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है स्क्वायर का, जिसका पैरामीटर और जिसका आपने एरिया निकालना है। तो स्क्वायर होता है आपके पास ये, फोर की फोर साइड्स इसकी सेम होती हैं। अगर ये साइड एक्स है, ये भी एक्स और ये भी एक्स, और जो इनका आपस में एंगल होता है वो होता है 90 का, ठीक। तो पैरामीटर, अगर हम बात करते हैं पैरीमीटर की, तो पैरीमीटर कहते हैं बाउंड्रीज को, यानी कि अगर आपको स्क्वायर गार्डन है, आप यहाँ से यूँ चलते हैं, यूँ चलते हैं, यूँ एंड यूँ, तो आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। बाउंड्रीज पर आपने ग्रिल लगानी है, तो यहाँ पर कितनी लेंथ की ग्रिल लगेगी, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 4 टाइम x है, तो इसको आप लिख सकते हैं पैरामीटर होता है 4x और इसको आप p कह देते हैं। इसी तरह अगर एरिया निकालना हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का या चार साइड वाली फिगर का, तो स्पेशली स्क्वायर का लेंथ इनटू विथ, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x, तो एरिया आ गया एक्स स्क्वायर। जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी, ये पैरामीट्रिक फंक्शंस दो गिवन है, पैरामीटर और एरिया। पैरामीटर डिपेंड कर रहा है एक्स पर, एरिया भी डिपेंड कर रहा है एक्स पर, इसका मतलब है ये आपस में भी एक दूसरे पर डिपेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से निकालते हैं एक्स की वैल्यू, एरिया पर लेते हैं स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर पर भी आएगा स्क्वायर रूट, तो इधर से स्क्वायर रूट ऑफ एरिया किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। एक्स की जो ये वैल्यू निकाली है इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो पी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ए। तो अब हमने रिप्रेजेंट कर दिया पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। देखिए पैरामीटर इक्वल होता है 4 स्क्वायर रूट ऑफ एरिया के, तो यही आपसे डिमांड कर रहा था, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया लिखें, कि पैरामीटर किसी भी स्क्वायर का किस पे फंक्शन हो, एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। आप इसको स्मॉल सा यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं कि पैरामीटर किसका फंक्शन आ गया है, एरिया का फंक्शन आ गया है। इस तरह कहता है एरिया ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है उसका एरिया आपने लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यानी कि इस बार सर्कल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल की डायग्राम बनाते हैं, इसके पार्ट बी में सर्कल। सर्कल क्या होता है, मेरे पास एक सर्कुलर फिगर, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, हमने एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस, सर्कल हमेशा रेडियस से पहचाना जाता है, तो उसका रेडियस कितना है हमारे पास, आर है, जनरल हमने रेडियस ले लिया। तो कहता है एरिया ऑफ सर्कल, अब एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल एज अ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस सर्कल की बाउंड्री कहलाती है, एरिया ये सारे का सारा पोर्शन होता है, जबकि सर्कमफेरेंस सिर्फ ये बाहर वाली जो लाइन है इसकी लेंथ होती है। तो सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस जिसको मैंने लिखा हुआ है सी, किसके इक्वल होता है 2 पाई आर के, तो सी की वैल्यू आ गई 2 पाई आर। अब एरिया को एज अ फंक्शन, यानी कि यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है और इसको पुट कर देना है, तो यहाँ से आर की वैल्यू आती है सी बाई 2 पाई, 2 पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया, तो जो आर की वैल्यू आई है अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा एरिया पाई ऐसे ही आर की जगह पर आर की वैल्यू, और ऊपर वाला स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब इस स्क्वायर का मतलब है हर एक क्वांटिटी का अलग अलग स्क्वायर हो रहा है, तो हमने हर एक वैल्यू का अलग अलग स्क्वायर लिखना है, पाई सी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और साथ आ जाएगा पाई का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो ये एरिया एज अ फंक्शन ऑफ
सर्कमफेरेंस आ गया, एरिया इक्वल है सी स्क्वायर एंड 4 पाई के। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में बात कर रहा है, थर्ड पार्ट में वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब के वॉल्यूम है एक क्यूब का। क्यूब कैसी फिगर होती है देखते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस, के एरिया ऑफ इट्स बेस के वॉल्यूम को एरिया ऑफ बेस की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम एक क्यूब देखते हैं, सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, क्यूब। क्यूब एक ऐसा यानी कि बॉक्स टाइप होता है जिसकी सारी की सारी लेंथ विथ और हाइट सब की सब इक्वल होती हैं और सब के सब क्या होंगे, एक्स होंगे। तो ये आपके पास एक क्यूब आ गया जिसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो भी क्या है, एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक विथ है वो भी क्या है, एक्स है, और ये जो हाइट है ये भी क्या है, एक्स है, यानी कि लेंथ विथ हाइट सब की सब इसकी क्या है, एक्स है। तो हमारे पास सॉरी क्यूब इसकी लेंथ भी क्या है, एक्स है, विथ भी क्या है, एक्स है, और ये हाइट भी क्या है हमारे पास, एक्स है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है क्यूब का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ भी एक्स है, विथ भी एक्स है, और हाइट भी एक्स है। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो वॉल्यूम आ जाएगा इसका एक्स क्यूब, एक इक्वेशन बन गई। फिर कहता है वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ, वॉल्यूम को लिखना है हमने एज अ फंक्शन ऑफ एरिया, एरिया किसका, इसी क्यूब की बेस का, इसी क्यूब की बेस का। तो ये क्यूब की बेस है, ये क्यूब की बेस है, इसका एरिया, एरिया ऑफ बेस, बेस सारी बात है ये द फॉर्म ऑफ स्क्वायर होगी, तो इसका एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ एक्स है और विथ भी क्या है, एक्स है, तो एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया लिखना है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एरिया के ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट लें और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स, ठीक है। अब ये वाली जो एक्स की वैल्यू निकाली है इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो वॉल्यूम आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया और ऊपर आ जाएगा 3। स्क्वायर रूट ऑफ एरिया जो सा होता है मेरे पास, स्क्वायर रूट को लिखा जा सकता है 1/2, बाहर मौजूद है 3, तो वॉल्यूम आ जाएगा एरिया की पावर 3/2 के इक्वल, एरिया की पावर 3/2 के इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हमारे पास सॉल्व हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें।